मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टमाटर का थिक सूप बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं टमाटर का सूप कैसे बनाया जाता है। टमाटर के दो तरह के सूप बनाए जाते हैं। एक सूप वो होता है जो बिल्कुल सर्दियों में पिया जाता है, पतला सा, जिसमें सिर्फ भुना हुआ जीरा और काली मिर्च पाउडर और काला नमक डाला जाता है। ये सूप थिक वाला है जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनेगा, इसको चावल के साथ खाया जाता है। अगर कभी आपका मन दाल वाल खाने को ना हो तो ये टमाटर का सूप बहुत अच्छा होता है, आप इसको ट्राई करिए। तो आइए देखते हैं टमाटर का सूप बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने आधा किलो टमाटर ले लिए जो मैंने धो के रख लिए हैं। ये मैंने एक चम्मच लाल मिर्च ली है, आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने नमक लिया है, दो मैंने लाल मिर्च ली है, ये कटा हुआ हरा धनिया, और ये मैंने चार फली लहसुन के लिए है जो मैंने कद्दूकस में कस के रख ली है। अब सबसे पहले इसको हम एक या दो सीटी में उबाल लेंगे और इसमें ये नमक डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें हम बस दो सीटी लगाएंगे, दो सीटी में ये गल जाएगा। ये टमाटर हमारे उबल गए हैं, अब इसके हम ऊपर के छिकल निकाल देंगे। ये इसी तरह हमने सारे छिक्कल इसके उतार लिए हैं ताकि ये मुंह पर ना आए, इसलिए छिक्कल मैंने सब उतार लिए हैं। अब इसको हम दो मिनट ठंडा होने पर मिक्सी पर ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर हमारा पिस गया है। अब सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी। तेल मसाला इसमें बहुत कम लगता है। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ये लाल मिर्ची डाल देंगे। इसमें दो चार दाने जीरे डालेंगे जो मैं पहले बताना भूल गई थी। और ये कसा हुआ लहसुन डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसको मत डालिए, बगैर जीरे में भी ये बन जाता है। अब लहसुन के बदले सीधे जीरा डाल के अब इसमें हम एक चुटकी हींग डाल देंगे और ये लाल मिर्च पाउडर जो हमने लिया है ये डाल देंगे। टमाटर डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम गाढ़ा ही रखेंगे, ये चावल के साथ खाएंगे इसको। और 5 मिनट पकने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। इसमें हम ये धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, नमक हमने उबलने में भी डाल रखा है, और इसमें हल्दी वगैरह, गरम मसाला और कुछ नहीं लगता है। और 5 मिनट पकने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। ये हमारा पक के तैयार हो गया है, अब इसको हम सर्विंग बाउल में डालेंगे। सूप बनाना बड़ा आसान है, टमाटर तो हर घर में अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए सूप हमारा कितना गाढ़ा और टेस्टी बना हुआ है, इसको आप चावल के साथ खा सकते हैं।